और दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि क्लास 9 से क्लास 12 तक का जितना भी सिलेबस था उसका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो कि हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद ट्विटर पर आकर उन्होंने अनाउंस करा था इसे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेप है बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारे एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। और कई लोग का ये सवाल है कि सर, नीट और जेई का जो सिलेबस है वो भी क्या रिड्यूस हो रहा है इस साल 2020 में? क्या जो नीट और जेई का पेपर आएगा उसमें भी 30% जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? तो इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कई लोग डिमांड कर रहे थे कि क्या सच में ऐसा ऑफिशियली अनाउंस करा गया है कि नीट और जेई का सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की न्यूज़ पे बिलीव ना करें, ऐसा कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। क्योंकि ये जो स्टेप लिया गया है सीबीएसई की तरफ से, ये सिर्फ कोरोना वायरस की कंडीशन, यहाँ पर लिखा गया भी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जो है, अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, पेंडेमिक की जो सिचुएशन है उसके कारण ये स्टेप उठाया गया है। और यार अभी तक भी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है कि नीट और जेई के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक या दो महीने से नहीं, दो तीन सालों से, कई लोग तो चार चार सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। तो यार एकदम से स्टेप, इतना बड़ा स्टेप उठाना कि उनका सिलेबस चेंज कर दे, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप निश्चिंत रहिए, जितनी भी आपने प्रिपरेशन करी है वो बिल्कुल सही है, और अपने जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे उसे लगाते जाइए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पर कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नीट 2020 में तो नहीं, पर 2021 और 22 में अगर जो नीट का पेपर होगा या फिर जेई का पेपर होगा उसमें ज़रूर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस रिड्यूस करा गया है तो बच्चों को अब फोर्स करा जा रहा है कि आप कोचिंग सेंटर्स की तरफ जाकर पढ़े। क्योंकि अगर आपका सिलेबस में, जैसे कि इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और जो बेसिकली जो सिंपल सिंपल चीज़ें जो कि बेसिक्स होते हैं फिजिक्स के, हीट इंजन वगैरह, तो ये सब इन्होंने निकाल दिया अपने सिलेबस से। तो जब बेसिक्स ही निकाल देंगे तो फिर कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें? तो यार बहुत ही ज़्यादा अजीब सा स्टेप लगा मुझे कि एक तरफ से तो आप बेसिक ही निकाल दे रहे, तो फिर बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो जेईई एडवांस का सवाल सॉल्व करेगा? तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स मिलते हैं। एक तरफ तो कुछ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स कह रही कि बहुत अच्छा स्टेप है, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से निकालोगे सिलेबस से तो फिर उस सिलेबस का होने का मतलब ही क्या है? तो यार ये कई सारे जो थॉट्स हैं, पर अभी एक भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये कहा गया है कि नीट और जेई का जो सिलेबस है उसे चेंज करा जा रहा है। हो सकता है कि आप 2021 और 2022 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उन लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंजेस देखने मिले, पर अभी तक हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। और यार ये भी जो स्टेप उठाया गया था ये भी कोरोना वायरस की कंडीशन के कारण उठाया गया है। नॉर्मली तो ऐसा कुछ कभी भी गवर्नमेंट हमारा करने का नहीं सोचेगी कि ऐसा कुछ करे जिसमें कि बच्चों का लॉस हो, पर यार ये जो सिचुएशन है अभी बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग सिचुएशन है, और यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रह के चलना पड़ेगा। तो यार यही था एक शॉर्ट सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, और आपको अपनी पढ़ाई पे जिस तरह आप फोकस कर रहे थे उसी तरह आपको फोकस करना है। और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।